हेलो फ्रेंड्स, केवीएस में जो सीपीटी एग्जाम हुआ यानी कंप्यूटर प्रोफेशनसी टेस्ट का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिकल्स भी बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका यूज़ भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमने ई बुक तैयार किए थे वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये वो ई बुक है जो आपने शायद परचेज कर लिए होंगे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इसी ई बुक से आए थे। तो अभी आगे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो फाइल है, तो इस फाइल को भी पीडीएफ बना के जो है उसी ई बुक में जो है नीचे में मैं क्या कर दूंगा, उसको अपडेट कर दूंगा, ताकि जो है आगे आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर इस ई बुक को अगर परचेस करते हैं तो उन्हें जो है एक अपडेटेड ई बुक मिल जाएगी। और कुछ क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर दूंगा उसमें जो पूछे जाने के चांसेस आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं। तो आपको पूछा गया था कंट्रोल प्लस वन फॉर सिंगल लाइन स्पेसिंग, यानी कंट्रोल प्लस वन का आपको यूज़ पूछा गया था। तो हम लोग अगर बात करेंगे अपने ई बुक की, तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ के लिए अलग से बना के दिया था। ठीक है, यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में सब जगह आपको जो है शॉर्टकट कीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको शॉर्टकट कीज़ मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस में भी आपको दिखेगा। तो कंट्रोल प्लस वन अगर आप यहाँ पे पढ़ के गए होंगे अगर इस ई बुक को अच्छे से, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, सिंगल स्पेस लाइन। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन है, बट मैं सबके सब तो यहाँ पे ई बुक में आपको सर्च करके नहीं दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, सेव एज फॉर सेविंग अ फाइल विथ न्यू नेम, तो ये किस तरीके से करना है मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया था। ठीक है, आपको फाइल में क्लिक करके, सेव एज पे क्लिक करके जो है उसको फाइल को सेव करना होता है। ऑप्शन नॉट इन एमएस वर्ड 2016, तो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे ई बुक में आपने अगर नोटिस किए होंगे तो 2016 के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो 2016 के थे। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नॉट इन एमएस वर्ड 2016, तो फाइंड रिप्लेस, गो टू एडवांस्ड फाइंड एंड रिप्लेस, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, होम मेन्यू में ही आपको रहना है। यहाँ पे आपको दिखेगा फाइंड रिप्लेस, तो यहाँ पे जो एरो दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन वाला, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड दिख रहा है, एडवांस फाइंड दिख रहा है और गो टू दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा वो है फाइंड एंड रिप्लेस, जो है 2016 में नहीं है। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। तो इस तरीके से आपको जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं पहले से आपको कहते आ रहा था कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, आपने अगर एमएस वर्ड को चलाए होंगे यानी इस पर अगर आपने काम किए होंगे, तो जो है आपको आंसर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन टू स्पेसिफाई अ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन डॉक, तो फाइंड, सर्च, गो टू, रिप्लेस एंड फाइंड, यानी इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अगर डॉक्यूमेंट में फाइल करना है, तो आपको जो है यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कर देना है। तो इसका जो है शॉर्ट फॉर्म भी होता है, कंट्रोल एफ अगर आप दबा दोगे तो जो है आपको मिल जाएगा शॉर्टकट की इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट है डबल पैराग्राफ स्पेसिंग एंड सिंगल पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये आपको किस तरीके से करना है, होम मेन्यू में ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पे पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके भी आप जो है इस मेन्यू को ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आप डबल 2.33 लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो फिर से वही मेनू ओपन हो जाएगा जो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है सिंगल, डबल, मल्टीपल जो है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर आपको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस डी अगर आप प्रेस कर दोगे तो ये जो है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो जाएगा। ये आप इस तरीके से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर भी अगर आप क्लिक कर दोगे तो सेम जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रैक्टिकल सेशंस में। ठीक है, तो जैसे कि आपने अगर अच्छे से पढ़े होंगे या अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो जो है आपको क्लियर हो जाएगा। और ये सारे जो है शॉर्टकट कीज़ ही है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि आपको शॉर्टकट कीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस शॉर्टकट कीज़ के ऊपर भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे जो हमारी ई बुक है वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किया हुआ था और सारी लिस्ट भी मैंने यहाँ पे दे चुका था, चाहे वो एमएस वर्ड की हो, एमएस एक्सेल की हो, एमएस पावर पॉइंट की हो, एमएस एक्सेस की हो, तो सभी आपको यहाँ पे नोट्स मिल चुके थे। ठीक है, इंटरनेट के भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है हमारी ई बुक से आए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वाइल्ड यूजिंग एट द रेट फॉर सर्च वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, तो इसका आंसर हो जाता है इज यूज टू फाइंड वन और मोर ऑक्यूरेंसेज फॉर द प्रीवियस कैरेक्टर। तो वाइल्ड कार्ड आपको कहाँ मिल जाएगा, वाइल्ड कार्ड आपको मिल जाएगा एडवांस सर्च में। तो एडवांस सर्च के लिए आपको यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करना होगा, एडवांस फाइंड में आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको यूज़ वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो ताकि आप जो है यहाँ से ग्राफिक्स वगैरह जो है यहाँ से सर्च कर सको। ठीक है, तो आपको जो है मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल बेस थोड़ा सा करना होगा। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स हुए और आपके एग्ज़ाम, अगर आने वाले कोई एग्ज़ाम है जिसके लिए आप सीपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कमेंट करना होगा और मैं जो है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिकल बेस्ड। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करेंगे तो ये जो है कैरेट, इसको कहा जाता है कैरेट, तो इसका जो है नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम पूछा गया था तो इसके ऊपर मैंने एक नया एक नोट्स बनाया है, तो यहाँ पे आपको सबके नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसका नाम है कैरेट, इसको किस तरीके से टाइप किया जाता है उसका भी, तो ये भी मैं जोड़ दूंगा हमारी ई बुक में। ठीक है, यानी जो ई बुक है जो 30 रुपीज़ प्राइस है उसकी उसकी प्राइस 30 रुपीज़ ही रहेगी, बट यहाँ पे ये बॉक्स जुड़ जाएगा, इसमें सारे नाम दिए गए हैं कि किसको क्या कहा जाता है, यानी आपके आने वाले जो एग्जाम होगी उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ई बुक होगी, तो जो है ये सारे चीज़ें भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइफन एंड इन डैश। तो हाइफन जॉइंस टू और मोर वर्ड्स टुगेदर वाइल अ डैश सेपरेट्स वर्ड्स इन टू स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हाइफन जो है वो जॉइन करता है टू और मोर वर्ड्स को एक साथ, वाइल डैश जो है वो सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है एक स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया था कि मार्जिन के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मार्जिन्स के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से था कि ये सारे आपको मिरर्ड मार्जिन्स थे, नैरो वाइड, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना होगा लेआउट में और लेआउट में यहाँ पे आपको मार्जिन्स दिख जाएगा, तो मार्जिन्स में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी, मिरर्ड भी दिख जाएगा, वाइड भी दिख जाएगा, मॉडरेट, नैरो, तो ये जो है आपको एक बार ही प्रैक्टिकल करके जाना था, बट ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिरर मार्जिन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिरर मार्जिन, यहाँ पे भी मिरर मार्जिन, तो मार्जिन के ऊपर आपको क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। तो मिरर मार्जिन विल मेक द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे मिरर मार्जिन में तो यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड और इनसाइड आउटसाइड यहाँ पे ये कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इफ़ यू डू इरेज समथिंग बाय मिस्टेक, अगर आप कोई चीज़ जो है मिस्टेकली बाय मिस्टेक लिए अगर उसको इरेज कर देते हो तो आपको क्या करना होगा, रीडू करना होगा, तो रीडू करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल वाई का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस अगर वाई अगर आपने दबा दिए तो वो रीडू हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे कंट्रोल प्लस वाई यानी रीडू के लिए। ठीक है, और अंडो के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी ई बुक से ही है, काफ़ी लोगों का कहना था कि ई बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट काफ़ी लोगों का कहना था कि नहीं भी आए हैं, तो जिन कैंडिडेट्स ने अच्छे से अगर गोत्रू हुए होंगे नोट्स के ऊपर तो जो है उनको ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिट मिला है, भले ई बुक थोड़ी बड़ी होंगी बट जो आप जितना मैक्सिमम पढ़ोगे उतने ही मैक्सिमम चांस होते हैं इनमें से क्वेश्चंस आने के एग्जामिनेशन में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, तो जिन कैंडिडेट्स ने अच्छे से गो थ्रू हुए थे उनको जो यहाँ पे एडवांटेज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी इंटर अ टेक्स्ट इन हेडर सेक्शन वेयर इट इज़ विजिबल इन प्रिंट लेआउट व्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड 2016, तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट, आपको जाना होगा यहाँ पे लेआउट में और लेआउट में यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट मोड पे ही डिफॉल्ट ये रहता है, अगर आप इसे लैंडस्केप करना चाहते हो तो ये लैंडस्केप हो जाएगा, बट अगर हम लोग इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, तो डिफॉल्ट जो होता है वो होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, तो पेज का जो विथ लेआउट है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया इसका जो लेआउट है विथ का वो जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये तो हो चुका है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यूज टू अंडू, ये भी हो चुका है कंट्रोल प्लस जेड, और इसको क्या कहा जाता है, ये मार्क जो है किस चीज़ के लिए, तो ये जो मार्क होता है ये पैराग्राफ मार्क होता है या पैराग्राफ साइन से कहा जाता है, तो ये भी मैं जो है इसे अभी अपडेट कर दूंगा ई बुक को और ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, तो कंट्रोल के अगर आप दबा दोगे अपने
कीबोर्ड में, तो आपको जो है ये मिल जाएगा। अगर आप इंसर्ट में भी अगर जाते हो तो इंसर्ट में भी आपको यहाँ पे हाइपरलिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस पे भी क्लिक करके रखोगे थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे ऐड हाइपरलिंक, तो कंट्रोल प्लस के यहाँ पे दिख रहा होगा, क्रिएट ए लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन वेब, यानी एक वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब में किस तरीके से ओपन करना है। तो उसके लिए आपको ओपन वर्ड फाइल विथ वेब ब्राउजर, यानी किसी फाइल को आप जो है वेब ब्राउजर में ओपन विथ कर सकते हो। अगर आपको सेव करना है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इन दोनों में से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन वेब। तो यहाँ पर आपको फाइल में जाना होगा और यहाँ पर आपको सेव एज पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे अगर डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट को ना करते हुए यहाँ पे आपको वेब पेज करना होगा, ठीक है। अगर आप इसको वेब पेज कर दोगे तो ये जो है आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको वेब पेज करना था, ठीक है। वेब पेज में भी आप इसे सेव कर सकते हो। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस एमएस वर्ड के।